है गाइस, आपके बहुत कमेंट आ रहे थे मुझे कि भाई मुझे बताओ कि जंगली कबूतर कैसे ट्रेन करे और पालतू कबूतर कैसे ट्रेन करे। गाइस, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे जंगली कबूतर में और पालतू कबूतर में। तो गाइस, पहले बात कर लेते हैं हम पालतू कबूतर की। पालतू कबूतर में होता क्या है कि पालतू कबूतर हमें पहचानते हैं और हम उन्हें पहचानते हैं। जैसे हमारे घर के पालतू कबूतर, हम जैसे हमारे घर के बच्चे निकलते हैं अंडे, वो हमको देखते हैं, बचपन से ही देखते रहते हैं। और धीरे धीरे जब वो 20 22 25 दिन के होते हैं, फिर हम उसको हैंड ट्रेनिंग के लिए अलग रख देते हैं। तो गाय जो कुछ हद तक, जैसे 10% में से 1% 2% हमको पहचानते हैं कि नहीं भाई ये है जो हमको दाना देता है, ये भी वो भी बचपन से देखते आते हैं। जैसे कोई भी इंसान भी जो चीज़ बचपन से देखते आता है, जैसे बचपन में हम दुकान पर जाते थे, हमारे जो भी बड़े हैं हमने दुकान पर ले जाते हैं और बताते हैं कि देखो यहाँ पे ये चीज़ मिलती है, तो बच्चा वो बार बार वहीं जाने की जिद करता है। तो वैसे ही कबूतर का जो बच्चा है, उसको अगर उनके माँ बाप बता देते कि यहाँ पे देखो दाना है, वो लोग भी सिखाते, तो उसमें होता क्या है कि वो बच्चा अपन को पहचान लेता पहला। फिर अपन उसको हैंड ट्रेनिंग देते, फिर उसको अपन हाथ पे दाना खिलाते, और फिर आपको मैंने बता रखा है कि ट्रेन कैसा करते। गाइस, कबूतर जो होता है वो ट्रेन हो जाता है, वो अपना पालतू कबूतर। बात करते गाइस, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई जंगली कबूतर है मेरे पास, जंगली कबूतर का बच्चा है, जंगली कबूतर का बच्चा कैसे ट्रेन करें। तो मैंने बहुत सारे भाई के कमेंट देखे, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जंगली कबूतर और पालतू कबूतर में क्या फ़र्क होता है। तो गाइस, आप पालतू कबूतर तो ट्रेन करना आता है आपको, अब आपके पास पालतू कबूतर ही नहीं है, जंगली कबूतर आपके घर पर या फिर कहीं पर भी अंडे वगैरह दे देते हैं, तो आप वहाँ से बच्चा लेके आ जाए। कबूतर के बच्चे अंडे वगैरह दे देते हैं, और जंगली कबूतर जो होते हैं मतलब कहीं भी अंडे देते हैं, तो आप क्या करो वहाँ से बच्चा लाओ। और कितना बड़ा बच्चा लाना है जंगली कबूतर को ट्रेनिंग करने के लिए, गाइस आप पूरे यूट्यूब पे आप किसको भी कमेंट करो, किससे भी पूछो कि जंगली कबूतर ट्रेन करना है मुझे तो कैसे करूँ, तो उसमें बोले तो कुछ ऐसे बातें होती है जो ध्यान रखना पड़ती है। तो सबसे पहली बात गाइस कि जंगली कबूतर का मेहनत डबल डबल मेहनत। जैसे हम पालतू कबूतर का बच्चा 20 22 25 दिन 1 महीना का ट्रेन करते हैं, वैसे जंगली कबूतर में नहीं होता। जंगली कबूतर में ऐसा होता है कि उसका जो बच्चा होता है ना जंगली कबूतर का, वो 10 5 दिन का बस बहुत हो गया, 10 से 5 दिन ये बहुत ज़्यादा हो गया। गाइस, जंगली कबूतर में हम बोले तो आपने यूट्यूब पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, बहुत सारे बंदे चील ईगल उसको ट्रेन करते हैं। कितना वो तो जंगली कबूतर से भी ज़्यादा जंगली है। एक बात, वो मतलब ज़्यादा आबादी वाले इलाके में नहीं रहता है, कबूतर तो घर वगैरह पे अंडे वगैरह दे देते हैं, लेकिन वो भाई पहाड़ी में बड़े बड़े दरख्तों पे अपने अंडे बच्चे करते हैं भाई। तो उसमें अपना जो जंगली कबूतर है उसको आप छोटे मतलब जो स्क्रीन पे बता रहा है वैसे बच्चों से आप अगर ट्रेन करोगे ना उसको, तो वो ट्रेन हो जाएगा। और उसमें क्या है कि जंगली कबूतर के बच्चों को मतलब टाइमिंग आपको ज़्यादा देना है। और जंगली कबूतर का एक ऐसा उसूल है, अगर आपको एक बार वो पहचान गया ना बचपन से, ऐसा नहीं कि उसको 20 22 दिन का 25 दिन का ला रहे हो आप, वो आपसे डर रहा है, कभी उसने पैदा होते से ही कभी इंसान नहीं देखा हो और फिर इंसान देख रहा है, तो गाइस वो थोड़ा डरेगा, आपके पास बिल्कुल भी ट्रेन नहीं होगा। और जंगली कबूतर अगर आपने पकड़ भी लिया, आपके घर पल भी गया, तो ज़्यादा दिन नहीं रहता है, अगर आपने पाला होगा तो आपको एक्सपीरियंस होगा उसका। तो मैं बता रहा हूँ कि वो जो जंगली कबूतर है उसको 20 22 दिन और उसको धीरे धीरे आप ट्रेन करो। जैसे आपने 10 दिन का बच्चा लाया, तो उसको 1 हफ्ता तो अपनी पहचान कराओ, 10 दिन 15 दिन पहचान कराओ। जैसे पालतू कबूतर में हमको 1 महीना 2 महीने में मतलब फुल ट्रेन हो जाता है, पट्टा गली वगैरह पार कर देता है, तो वो एकदम फुल ट्रेन हो गया, जैसे अपने पास बाइक के साथ लग गया। और जंगली कबूतर होते हैं इनको थोड़ा अलग ट्रेन करना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको कि जब ये कबूतर ट्रेन होते हैं ना जंगली, तो 10 दिन 15 दिन मैंने बताया आपको, 10 दिन 15 दिन, फिर धीरे 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 उनको जैसे अपन पालतू को ट्रेन करते हैं, वो आपको धीरे धीरे पहचानने लगते हैं। लेकिन कब आपको ये ट्रेन करना है, बस इतनी बात का ध्यान रखना है उसमें कि बच्चा छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं। अगर जितना बच्चा छोटा लेंगे आप जंगली कबूतर का, उतना वो आपको पहचानेगा और आपके मतलब हाथ पे ट्रेन होगा, क्योंकि
गाइस ये जो रहते हैं ना जंगली, उनका बोले तो नस्ल ही अलग रहता है, बेकार जंगली नस्ल रहते हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ गाइस छोटे बच्चे ले और ट्रेन करें। और गाइस कमेंट करें, जो भी मेरे को जो भाई के कमेंट आ रहे थे ना, इसलिए वीडियो बनाई है मैंने। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जो भी पूछना है और भी बातें आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। गाइस मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ रिप्लाई में, लेकिन रिप्लाई ज़रूर दूंगा गाइस। और उसके कमेंट के साथ साथ आपकी वीडियो भी आएगी, कि जैसे जो कमेंट है वो वीडियो आ जाएगी। तो वीडियो को लाइक करो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बाय।